सिवनी के घनसौर में एकलव्य आदिवासी आवासीय स्कूल परिसर में 1 करोड़ की लागत से बन रहे ऑडिटोरियम हॉल के निर्माण में ठेकेदार सुनील डहरिया द्वारा बेरोकटोक घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और इस घटिया निर्माण सामग्री की गुणवत्ता आंखों से देखकर परखी जा सकती है। निश्चित तौर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जिस तरह ऑडिटोरियम बिल्डिंग का 1 करोड़ की लागत से बन रही ऑडिटोरियम बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिले के मनमाने ठेकेदार और जिले के प्रमुख मुखिया सहायक आयुक्त जी और सुनील डहरिया जी, साथ ही एकलव्य आदर्श विद्यालय के प्रचार, आप सभी दृष्टिगत होते हुए इस बात की शिकायत भी की जा चुकी है कि यहाँ धर्राशाही से निर्माण कार्य चल रहा है, खराब ईंट, खराब लोहा, खराब सीमेंट के साथ बच्चों के भविष्य और शासन प्रशासन के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके द्वारा भी बताया गया है, इसके पहले भी मैंने सब इंजीनियर को निर्देशित किया था और सब इंजीनियर जो है फील्ड का जो है इंस्पेक्शन करके और गई है, मुझे अवगत भी कराया है कि ईंटें जो खराब रखी हैं उसको मना किया गया है लगाने से, वहाँ से उठाने के लिए भी बोला गया है और मैं और देख लेता हूँ और टीम बना के एक बार मैं जाँच भी करा लूँगा इसकी।